हेलो एवरीवन, देखिए टिस्ट में डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। इस बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनएचआरएम की क्या कट ऑफ हो सकती है। तो देखिए, इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये नियर अराउंड 245 मार्क्स है। अगर आपके रिटर्न में 245 मार्क्स आ रहे हैं, देन GDPI के लिए जो है आपको कॉल आ जाएगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए आप कह सकते हैं कि नियर अराउंड 240 से 242, EWS में आप कह सकते हैं 238 से 240, माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। SC एंड ST कैटेगरी के लिए कंफर्म नहीं है। SC कैटेगरी के लिए ये 220 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। एंड सेम ST में भी 180 पे भी कॉल आ सकती है, 200 पे भी कॉल आ सकती है। तो ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। क्योंकि देखिए, जो टेस्ट मुंबई है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है ये 68 है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये 4 to 5 times जो है ये बुलाए जाएंगे। तो नियर अराउंड जो है ये 300 या 340 स्टूडेंट को जो है GDPI के लिए कॉल आएगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, ठीक है। 270 भी बच्चों के स्कोर आ रहे हैं, 265 भी आ रहे हैं, ठीक है। 250 के अराउंड जो है ये मैक्सिमम स्कोर आ रहे हैं। तो टोटल जो है 300 से 340 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे GDPI के लिए। एंड आई थिंक 245 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी, देन GDPI के लिए कॉल आपको आ जाएगी। एंड फॉर ODCL 235 जो है ये सेफ होगा। सेम एनालिटिक्स में भी जो है 235, लेबर स्टडीज एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में 220 जो है ये सेफ होगा। एंड MHA जो COQP 11 के थ्रू है, इसमें 215 स्कोर जो है ये सेफ होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। क्योंकि देखिए, पेपर हम लोगों ने आपसे, हम लोग डे वन से कह रहे हैं कि पेपर इजी है, ठीक है, पेपर इजी आएगा। क्योंकि CUET PG में देखिए 100+ यूनिवर्सिटी है। हम लोगों ने आपसे बताया था कि केवल टिस्क की आने की वजह से पेपर का लेवल टफ नहीं होगा, क्योंकि अदर 99 यूनिवर्सिटी भी तो है। तो डे वन से हम लोग आपसे कह रहे हैं। आप सभी ने अभी कॉन्सेप्ट का मॉक भी दिया होगा, तभी मॉक में जो है 250 से 260 स्कोर आपके आ रहे होंगे, है ना, ठीक है। अदर मॉक में भी आपके 220 210 आ रहे होंगे। तो पेपर हम लोग डे वन से कह रहे हैं कि पेपर इजी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट 2 से 3 महीने पढ़ाई की और उनके भी मार्क्स जो है 220 से 240 के आसपास आ रहे हैं, जो कि अच्छा स्कोर है। इसमें देखिए 245, 250 प्लस 270 उन्हीं के स्कोर आ रहे हैं ना, जिनकी बहुत पहले से अच्छी से तैयारी थी। तो आपने अपना 100% दिया। इन केस अगर 245 240 के रेंज में आप नहीं भी आ रहे हैं ना, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया, बस यही चाहिए था, ठीक है ना। अभी सीमैट है, सीमैट में अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप अभी सीमैट को भी दे सकते हैं। तो देखिए, जब भी पेपर इजी होता है तो कट ऑफ अधिक जाती ही जाती है। एंड नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? तो देखिए, आंसर की जो है ये 4 अप्रैल को आएगी। किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में आपको लग रहा है कि एरर था, देन आप उसको क्लेम कर सकते हैं। एंड फिर रिवाइज आंसर की जो स्कोर कार्ड है आपके, ये अप्रैल लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद का क्या प्रोसेस है, डिटेल एक वीडियो में बताते हैं। एंड CUET में जो अदर यूनिवर्सिटी है उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, जैसे DAV इंदौर एंड अदर कॉलेजेस, तो एक डिटेल वीडियो जो है उस पर भी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे अपडेट करते हैं आपको।